नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है सभी का रवि एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसकी स्ट्रेटजी हमने पहले डिस्कस कर दी थी कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है यूरोपियों का भारत आगमन। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, मिशन आर ओ ए आर ओ 2023 के तहत आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, पहले थोड़ा सा बताएंगे जल्दी से, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर पूरी बात करेंगे इसमें बहुत अच्छे से। तो ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और सबसे आपने पढ़ा है यूट्यूब में बहुत लोगों से, आज मेरा भी क्लास आप करके देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर नया मिलेगा। और जो लोग एक घंटे में सिखाते हैं वो हम 10 से 15 मिनट में आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, क्योंकि समय कम है, 3 महीने में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो क्वालिटी अगर हम लोग यहाँ पर देंगे और कंटेंट देंगे तो फिर एग्ज़ाम आसानी से निकलेगा। चलिए, तो देखिए 15वीं शताब्दी से पूर्व जो व्यापार था इस विश्व में, तो एशियाई हिस्सों पर अरबों का एकाधिकार था और यूरोपीय हिस्सों पर इटली वासियों का एकाधिकार था। इसी क्रम में जब यूरोप में कुछ नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, उनका उद्भव हुआ, तो वो लोग भी व्यापार करना चाह रहे थे भारत जैसे देशों से, क्योंकि वो भी लाभ कमाना चाह रहे थे। लेकिन अगर वो लोग व्यापार करेंगे तो ये लोग जो पहले से व्यापार पर कब्जा किए हुए वो उन व्यापारिक मार्गों को प्रयोग नहीं करने देंगे। इसलिए नवीन समुद्री मार्गों की खोज बहुत ज़रूरी थी। तो नवीन समुद्री मार्गों की खोज के लिए अभियान प्रारंभ हुआ और इसमें स्पेन और पुर्तगाल जैसे जो देश थे यूरोप के, इन्होंने इन अभियानों को आयोजित किया। तो इसी क्रम में भारत में ये यूरोपियंस आते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते, फिर डच आते, फिर अंग्रेज आते, फिर फ्रांसीसी आते, पीडीएफ इसको याद कर लीजिए। तो जब ये भारत में आएंगे तो आपस में इनमें कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो ये आपस में भी लड़ेंगे। तो डच पुर्तगालियों को भारत से बाहर कर देंगे और अंग्रेज डचों को बाहर कर देंगे और अंग्रेज फ्रांसीसियों को भी बाहर कर देंगे और लास्ट में केवल अंग्रेज बचेंगे जो भारत के व्यापार को अपने हाथ में ले लेंगे। और ये भारतीय शक्तियों से भी लड़ेंगे यहाँ पर, तो भारतीय शक्तियों से भी लड़ेंगे तो ये भारत विजय भी यहाँ पर करेंगे, तो वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पुर्तगालियों का भारत आगमन। चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए पुर्तगालियों का एक राजकुमार था, ये डॉन हेनरिक, इसको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था नवीन समुद्री मार्गों की खोज के लिए। फिर इसी क्रम में एक यात्री आता है, पुर्तगाली नाविक आता है बार्थोलोमो डियाज, लेकिन ये भारत तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पुर्तगाली नाविक था, ये केप ऑफ गुड होप, ये जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका, ये देखिए पुर्तगाल, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है और ये भूमध्य सागर है। थोड़ा सा अगर आपको भूगोल का ज्ञान होगा तो ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल से चला ये अटलांटिक महासागर से और ये अफ्रीका के साउथ में, ये लिखा केप ऑफ गुड होप तक की यात्रा किसने, लेकिन ये भारत नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री नहीं है, ये केप ऑफ गुड होप तक आता है और ये बात है 1487 की, यानी ये बात हम लोग कर रहे हैं 15वीं शताब्दी के लगभग अंत की, क्योंकि 15वीं शताब्दी से पूर्व ये स्थितियाँ थी। तो ये जो नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज होती है वो 15वीं शताब्दी के लास्ट में शुरू होती है, तो इनका आना प्रारंभ होता है। इसी क्रम में स्पेन का भी एक यात्री चलता है कोलंबस, और ये कोलंबस एक्चुअली भारत की के लिए मार्ग खोजने के लिए निकला था, लेकिन ये रास्ता भटक गया और ये पहुंच गया करेबियन सी के आइलैंड पर और इसने अमेरिका की खोज कर दी। तो 1492 में अमेरिका की खोज करता है कोलंबस, ठीक है। तो ये स्पेन का यात्री था, तो ये पुर्तगाली था और ये स्पेन का था, ये दोनों भारत नहीं पहुँचे, ध्यान रखना ये दोनों भारत नहीं पहुँचे। तो हमने बताया ना कि स्पेन और पुर्तगाल के जो देश थे ये लोग नवीन मार्गों की खोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बार्थोलोमियो डियाज और कोलंबस, याद रखिए ये पुर्तगाली है, ये स्पेनिश है, लेकिन दोनों इंडिया नहीं पहुँचे, याद रखिएगा बहुत ध्यान से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वास्को डी गामा की। ये जो वास्को डी गामा है ये भारत 3 बार आया। तो सबसे पहले ये 1498 ईस्वी में भारत आया, कैसे, तो देखिए पुर्तगाल में लिस्बन से चलता है और ये अटलांटिक ओशन से केप ऑफ गुड होप होते हुए और ये पहुंचता है यहाँ पर गुजरात,
और गुजरात से फिर ये पहुंचता है यहाँ पर कालीकट, और कालीकट में एक वहाँ का हिंदू राजा था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, पीसीएस में आया है, तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो इसका रूट आप देख रहे हैं वास्को डी गामा का, ऐसे आया, और जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ से वो काली मिर्च ले गया खरीद के, और उसने यूरोप के बाजार में जब उसको बेचा तो उसको उससे 60 गुना लाभ हुआ, और 60 गुना लाभ बहुत होता है, तो ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। तो पूरे यूरोप के जो नए नए देश हैं, ये डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्साहित होते हैं। फिर वास्को डी गामा दोबारा आया 1502 में, फिर आया 1524 में, और 1527 में इसकी कोचीन में डेथ हो जाती है इंडिया में। तो ये वास्को डी गामा वाला क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है, वास्को डी गामा, नोट कर लेना इसको। और हम ये भी कह सकते हैं कि पहला यूरोपियंस जो इंडिया में आया, तो चूंकि पुर्तगाल से आए वो यूरोप है, यूरोप में पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कैब्राल, ये दूसरा पुर्तगाली यात्री है जो 1500 ईस्वी में भारत आता है, दूसरा पुर्तगाली है ना, और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली फैक्ट्री कहाँ होती, कोचीन में, और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में लगती है, ये भी याद कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड फैक्ट्री पुर्तगालियों की, सेकंड फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में लगती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली लगती है कोचीन में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये कैब्राल में दो बातें आपको याद रखना है, क्या, दूसरा पुर्तगाली यात्री है, और कोचीन में 1503 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई, और 1505 में कन्नूर में पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री लगाई। अब देखते हैं, इसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा याद रखना केवल, ये 1505 से 1509, ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये भारत आता है, ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है, तो फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर भारत में ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्मीडा वाला। और ये भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन गवर्नर लागू करता है, जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा नाम से याद रखना इसको, याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है शांत जल की नीति, मतलब हम व्यापार करेंगे और हमें कोई मतलब नहीं, हम जल के मार्ग से व्यापार करेंगे, ठीक है। ये फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर ये अल्बुकर्क है, तो ये अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 तक रहा, ये आप इसका सन याद कर सकते हो। ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था इंडिया में, सेकंड गवर्नर, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का ये वास्तविक संस्थापक था, याद रखिएगा, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क, पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्बुकर्क करके याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गोवा विजय किया था इसने 1510 ईस्वी में, ये रहा गोवा, तो गोवा इसने जीत लिया 1510 ईस्वी में, किससे जीता था, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। फिर इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया, कोचीन में जो पहली फैक्ट्री लगी थी इनकी, उसको इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया, और इसने मलक्का और होर्मुज में भी अधिकार किया, होर्मुज ये है यहाँ पर इस जगह फारस की खाड़ी के पास, और मलक्का इधर है साउथ ईस्ट एशिया पर, और इसकी फिर यहीं गोवा में मृत्यु हो जाती है, और यहीं इसको दफना दिया जाता है इंडिया में। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये अल्बुकर्क से इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। हाँ, एक काम इसने और किया था कि भारत में पुर्तगालियों की बस्तियाँ बसाने के लिए इसने निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति भी दे दी थी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नीनो डी कुन्हा, ये अल्बुकर्क के बाद आया और ये अगला गवर्नर बना, यानी तीसरे नंबर का गवर्नर है। इसने क्या किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो गोवा विजय किसने किया, याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने, और गोवा को राजधानी के रूप में किसने प्रयोग किया, नीनो डी कुन्हा ने प्रयोग किया। और देखिए यहाँ पर नीनो डी कुन्हा ने और क्या काम किया, इसने मद्रास में सेंट टोमे और बंगाल में हुगली, यहाँ भी पुर्तगाली बस्तियाँ बसाई। याद रखिएगा,
अभी तक जब ये आए थे तो भारत में पूर्वी हिस्से पर आए, तो सबसे पहले ये यहाँ पर दीव पर अधिकार करते हैं, और ये अल्मीडा जो था ना, ये अल्मीडा जो पहला गवर्नर था, इसने दीव पर अधिकार किया था। ओके, दीव पर याद रखना, ये दमन दीव पुर्तगालियों के अधिकार में थे, और आज़ादी हमें 1947 में मिली, लेकिन 1961 में इन्होंने खाली किया था, पुर्तगालियों ने दमन और दीव। तो दीव पर जैसे ही कब्जा किया अल्मीडा ने, ये पश्चिमी तट पर है, ये अरब सागर है हमारा, तो पहले अरब सागर से एंट्री होती है इनकी। तो ये इन्होंने जैसे ही दीव पर कब्जा किया तो ये समुद्र की एक बड़ी शक्ति बन गए, और फिर जब नीनू डी कुना आया तो ये अरब सागर के तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ आया, देख रहे हो इस तरफ, और सेंटोमे और हुगली में इसने अपनी बस्तियां बसाई। तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन मूव करता है? नीनू डी कुना। और इस तरीके से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यानी ये हिंद महासागर की एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हुगली में किसने, पुर्तगालियों ने, मतलब ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी की तरफ हुगली में सबसे पहले किस पुर्तगाली गवर्नर ने बस्ती बसाई, तो नाम क्या है? नीनू डी कुन्हा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो अब ये पूरे हिंद महासागर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। तो पुर्तगालियों ने समुद्र में पूरा अपना साम्राज्य स्थापित किया, और इस साम्राज्य को कहा जाता था एस्टाडो दा इंडिया। याद रखना, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य को क्या बोलते थे? एस्टाडो दा इंडिया। और ये पूरे समुद्री व्यापार पर कब्जा कर लिया इन्होंने, और बहुत शक्तिशाली हो गए। अब ये क्या करते हैं, अगर कोई यहाँ पर भारतीय राजा अगर यहाँ से व्यापार करना चाहता है तो इनसे परमिट लेना पड़ता था, यहाँ तक कि अकबर को भी परमिट लेना पड़ गया था। तो ये एक कार्ड अर्मीडा जो प्रणाली थी वो इन्होंने शुरू की थी, किसने? पुर्तगालियों ने। इसका मतलब क्या होता था कि अगर कोई भारतीय राजा इनके समुद्री क्षेत्र से व्यापार करना चाहता है तो इनसे परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। और ये काफिला पद्धति के माध्यम से उसकी ये सुरक्षा करने का वादा भी करते थे। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कार्ड आर्मीडा और काफिला पद्धति किसने शुरू की? तो पुर्तगालियों ने शुरू की। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पुर्तगाली साम्राज्य यहाँ पर हमने कवर किया। हाँ, एक चीज़ और देख लेना कि पुर्तगाली भारत आए तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या भारत को दिया, कुछ तो दिया होगा ना, तो तंबाकू, काजू और आलू, और प्रिंटिंग प्रेस। और सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी, तो ये पुर्तगालियों की देन है। तो तंबाकू, जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू की खेती शुरू होती है, और पुर्तगाली भारत इसको लाए थे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज आपने मेरा क्लास पढ़ा, और ये क्लास आपको कैसा लगा, आपको मुझसे पढ़ना कैसा लगता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई कमी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। आज ये फर्स्ट लेक्चर था, मैं प्रॉमिस करता हूं पुर्तगालियों से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप ये चीज़ों को बहुत अच्छे से दो तीन बार आप लेक्चर को सुन लेंगे, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर लीजिएगा हमारे नंबर पर। ये नंबर है हमारा 8381857695। अगर आपके पास वो PDF होगा, और जो हम पढ़ा रहे हैं PDF सामने रख लेंगे, उसका प्रिंटआउट निकाल के और उसमें टिक मारते जाएंगे, और ये कुछ नोट्स आप बनाते जाएंगे, तो आप इस 10-15 मिनट के लेक्चर में एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। इस तरीके से इसके 4 लेक्चर बनेंगे 10-10-15-15 मिनट के, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फिर से मैं कह रहा हूँ कि कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।